कर दिया, नहीं तो मेरे से नहीं हो पाता, केयर करने तो कर देते सर भी मिलके भी। और उन्होंने जिस तरीके से मतलब गाड़ी में सामान लाना में घर में बैठ के ऑर्डर लगाती थी, वो जाके अभी ला के फिर टीम को पहुँचाती थी, वो उन्होंने पूरा रोल निभाया। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये बिजनेस बहुत सरल है, बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप यूज करना है। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे शुरू करें, कहाँ से करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने यूज करना है, उसके बाद तब फिर जाके लोगों को यूज कराना है। और तीसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि जोड़ के कभी छोड़ना नहीं है ना। अब जैसे सर ने बताया कि उम्र बताओ, अभी मेरा 57 साल का उम्र है, 57 साल की है। पढ़ाई तो सर मेरा जीरो है, यहाँ पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ना पढ़े लिखे भी लोग कामयाब हो सकते हैं। और मैं ये भी लगता है कि मेरे को मैं नहीं पढ़ी थी तभी मैं इतने आगे बढ़ी, पढ़ी होती तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है। जैसे सीनियर लोग बोलते थे वैसे मैं करती थी, है ना, लंबा चौड़ा तो मैं क्या खींचूं। लेडीज लोग हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, गौतम बाली जी ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है, इसमें चलने की तैयारी करो और सच्चाई ईमानदारी और एक विश्वास से, है ना। और इस ये बिजनेस को मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा मतलब एक सपना तो मेरा ये था कि कार जो मैं अपने थापा जी को गिफ्ट करूं, उनके बर्थडे में गिफ्ट करना था, पर मार्च के महीने में लॉकडाउन होने के चक्कर से रुक गया। फिर 4 दिसंबर को रखा था हमने कि 4 दिसंबर में हमारी सालगिरह है तो सालगिरह में करूँगी, इतफाक कल ही कागज ओके हो गया तो हमने कहा चलो क्यों ना आज कल करें। फिर तो मैं सबके सामने मैं अपना थापा जी को छोड़ के हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है जो हम थापा जी के लिए करेंगे। मेरे बहू बेटा और मैं मिलके, है ना, मेरे बहू और बेटे भी बहुत अच्छे हैं, दामाद जी और लड़की भी, पर कुछ कारण ऐसे हुए कि वो दोनों आ नहीं पाए, छोटे भी बच्ची है उसके गोद में, बोलने लगी मम्मी इतनी भीड़ में कैसे, मैंने चल कोई नहीं पाया बेटा घर में आ जाना। थैंक यू सर।